लगाया है, भारत किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है, और मैं गर्व के साथ लगाऊंगा भारत का झंडा, समझे? तो मुझे क्या पाकिस्तानी घोषित करते हो? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो चुनाव के पहले बोले पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, यही बोला करते थे ना, आज तुम्हारे मोदी जी पाकिस्तान को सरप्राइज विजिट देते हैं, आज राजनाथ सिंह दो दिन पहले वहां पाकिस्तान में सरप्राइज पार्टी लेके आए, सरप्राइज पार्टी तुम दो, सरप्राइज विजिट तुम दो और पाकिस्तानी हम, ये कौन सा कानून है भाई साहब, और ये कौन सा लॉजिक आ गया? ये लॉजिक आज मुझे सिखाना है भाजपा वालों, आज तुम्हारे लॉजिक सीखना है मुझे, और ये भाजपा वाले झूठ और अफवाहें फैलाने में तो इतने नंबर वन है, इनका बस चले ये मोटरसाइकिल में डीजल डाल के चलाएं। अब ये भाजपा वाले मुझसे बोलेंगे, बोले अभी से तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, मिश्रा जी तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम लोग अरविंद केजरीवाल को गालियां दो तो वो क्या हो गया, वो प्यार हो गया, वो ठीक है भाई, तुम मनमोहन सिंह को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम सोनिया गांधी को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम लालू यादव को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, तुम अखिलेश यादव को गालियां दो वो भी ठीक है भाई, और हम दे मोदी जी को खिलाफ, हम मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले तो हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे, मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तुम करो तो ठीक और हम करें तो भैया पब्लिसिटी, गजब है यार भाजपाइयों, आज मुझे लॉजिक समझाना, आज लॉजिक समझा के रहूंगा भाजपाइयों, तुम्हारे लॉजिक आज मैं फॉर्मर भक्त रह चुका हूं, पहले मैं भाजपा का समर्थक था फॉर्मर भक्त, तो मुझे इनकी एक एक नस नस से वाकिफ हूं कि कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं, सब पता है इनका मुझे, एक एक हरकतें मालूम है मुझे। खैर अब ये कहते हैं, बोले भाई साहब मोदी को गरिया लो देश को मत गरियाओ, अब ये बताओ मैं आपको कितने बड़े वाले हैं, ये कहते हैं मोदी को गरिया लो देश को मत गरियाओ, भाई मुझे ये बता तू भाई देश को क्यों गरियाएगा, और कोई भी आदमी देश को क्यों गरियाएगा या देश के खिलाफ क्यों बोलेगा? इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि उसने देश के खिलाफ बोला, आमिर खान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी, शाहरुख तो अच्छी बात बता रहा था, बोले आमिर खान की पत्नी ने बोला कि मुझे देश में डर लगने लगा है, मनोहर पारिकर ने बोला कि भाई जाओ भाजपा वालों नेट पे उसको खूब बरियाओ, खूब गालियां दो, स्नैपवीर को गालियां दो, बहुत बढ़िया, और जब ये मुकेश अंबानी की पत्नी ने बोला, बोले मेरी पत्नी को डर लगने लगा है, तो क्या किया भाजपा वालों ने, उसको सीआरपीएफ के जवान दे दिए, मतलब क्योंकि आमिर खान एक मुसलमान था, अगर मुसलमान बोले तो भैया उसको पाकिस्तान भेज दो, देशद्रोही हो गया, और वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, ठोकता रहता है तुम्हारी, तो वो क्या हो गया, तो उसको सीआरपीएफ के जवान, बहुत बढ़िया यार भाजपा वालों, बहुत बढ़िया लॉजिक है तुम्हारे, आप तुम्हारे लॉजिक समझूंगा मैं। अब उसके बाद एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई देश से मत जुड़ो, अभी एक नाटक और करते हैं भाजपा वाले, ये क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चीज भाजपा के खिलाफ बोलोगे, कोई भी चीज मोदी के खिलाफ बोलोगे तो ये उसको देश से जोड़ देंगे, मैंने बोला मोदी के खिलाफ कुछ भी, अभी ये इसको जोड़ देंगे, बोले ये देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है, बोले मोदी को गरियाओ देश को मत गरियाओ, क्यों भाई मैं देश को क्यों कब गरियाया, मैंने तो मोदी के खिलाफ बोला ना, ये इमोशनल जोड़ देते हैं, इमोशनल जोड़ देते हैं, बहुत बहुत एक से एक महाफर्जी है भाजपा वाले। अब उसके बाद एक तरफ तो ये दूसरा कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं, बोले मोदी जी का मजाक क्यों उड़ाते रहते हो तुम मिश्रा जी, मोदी जी का मजाक क्यों उड़ाते हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो मनमोहन सिंह कौन था, कोई सड़क छाप था क्या, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, ये मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, ये मनमोहन सिंह को इतनी अभद्र बातें बोला करते थे, इतना बुरा बोला करते थे, तब तो ठीक है भाई, मोदी जी मनमोहन सिंह को बुढ़िया बोले तो वो ठीक है भाई, वो ठीक है, और हम बोलते हैं कुछ फेंकू एकू तो भैया अरे मैं प्रधानमंत्री को बुरा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों भाई साहब उनको नहीं आती थी शर्म, मनमोहन सिंह भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कुछ नहीं, सुधर जाओ भाजपाइयों मौका है, वरना दिल्ली में जैसा ठोका था ना जनता ने, और फिर बिहार में ठोका तुम्हें तेल लगा के, और फिर असम में तो बिल्कुल ही ठोक डाला, वैसा हाल ना हो उत्तर प्रदेश में तो अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तुम हारो और हारोगे, खैर चलता हूं मैं, टेक केयर।